आपने एक दफा सब कुछ फर्मेंटर में दे देना है। बैच और कंटीन्यूअस में डिफरेंस यही है ना कि आपने अपना सारा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग मीडियम, अपना सारा स्टॉक कल्चर, सब कुछ आपने एक दफा फर्मेंटर में फीड कर दिया, उसके बाद इसको बंद कर दिया, सील कर दिया। जब तक आपका प्रोडक्ट बन नहीं जाता तब तक आपने हार्वेस्टिंग नहीं करनी। दिस इज कॉल्ड एज बैच फर्मेंटेशन। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में क्या होता है, आप साथ साथ चीज़ें देते रहते हैं, सबस्ट्रेट और सब कुछ साथ साथ आप हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, प्रोडक्ट बनता रहता है, हार्वेस्टिंग फिर दे दिया। फिर अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा आपको चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बैच फर्मेंटेशन सूटेबल है, कुछ के लिए कंटिन्यूस सूटेबल है। तो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए बैच फर्मेंटेशन सूटेबल है। दूसरा एक आ जाती है फर्मेंटेशन की, दो और टाइप्स हैं, क्या ये सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है या सब मर्ज फर्मेंटेशन है। ठीक है, अब आप लोग ये चीज़ नोट डाउन कर लें या माइंड में रख लें कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस की बेस के ऊपर और उसकी मीडिया की कंपोजिशन या की बेस के ऊपर दो तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं। जो हम प्रोसेस की बेस पे इसकी फर्मेंटेशन को करते हैं वो है कंटीन्यूअस फर्मेंटेशन एंड बैच फर्मेंटेशन। ठीक है, जो हम लोग मीडिया की कंपोजिशन या जो हम मीडिया यूज़ करने जा रहे हैं या जो हम प्रोसेस किस तरह से उस मीडिया में करेंगे उसके लिए दो टाइप्स हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एंड सबमर्ज फर्मेंटेशन। अब एंटीबायोटिक्स के फर्मेंटेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए हम लोग सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम लिक्विड कल्चर या लिक्विड मीडिया यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारी सब जो सेल्स हैं वो सबमर्ज्ड फॉर्म में होंगे। दूसरी फर्मेंटेशन होती है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, उसमें मोस्टली होता है कि मीडिया सॉलिड फॉर्म में होता है या सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, आप लोगों की आज की क्लास की जो असाइनमेंट यही है कि आपने क्लियरली सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन और सबमर्ज फर्मेंटेशन के मुझे दो से तीन बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, जो कि इंशाल्लाह हम लोग क्लासेस अगर रिज्यूम होती हैं या जब भी पॉसिबल होगा ये मैं आपसे पूछूंगी या आप लोगों के एग्जाम्स में, तो आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये है मेजर फर्मेंटेशन का प्रोसेस प्रोसीजर। ये जनरली यही प्रोसीजर फॉलो होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे हम लोग पेनिसिलिन बनाने जा रहे हैं, तो ये स्टार्टर कल्चर हमारा पेनिसिलियम है, ये बैच फर्मेंटर यूज़ हो रहा है, ये हमारा मीडियम की कॉम्पोजिशन है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मीडियम में उस बैक्टीरिया इस फंजाई को नाइट्रोजन भी सोर्स चाहिए। ठीक है, उसको शुगर्स में आपको पता होना चाहिए कौन सी लिक्विड, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट वो है मेजर उसका है प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है लैक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इन सबको पीएच बफर्स की ज़रूरत है। ये सारी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टार्टर कल्चर और मीडियम ये आपने दे देने हैं बैच फर्मेंटर में। उसके बाद ऑल दो बैच फर्मेंटर में हम लोग, मैंने आपको बताया एक दफ़ा आपने दे देना है और उसके बाद आपने करना है हार्वेस्ट करना है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने 10 टाइम्स इन 6 डेज में 30% ऑफ कल्चर को रिमूव करना है और 30% फ्रेश मीडियम ऐड करना है। सिर्फ मीडिया की बात करी जा रही है कि आपने फ्रेश मीडिया देना है, वो भी 6 दिनों के अंदर 10 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया या हार्वेस्टिंग की बात आई, हमारी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, हमारे पास प्रोडक्शन कंप्लीट इस सेंस में हो गई कि हमारे पास प्रोडक्ट आ गया फर्मेंटर में, अब हार्वेस्टिंग होनी है। तो आपने सबसे पहले हार्वेस्टिंग करके रोटेटिंग फिल्टर में डालना है, जिसके बाद आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक फंगल सेल्स ये वाले आ जाएंगे और दूसरा जब आपने फिल्टर होने के बाद दो चीज़ें आती हैं, एक फिल्ट्रेट आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में जिसमें आपकी पेनिसिलिन होगी और दूसरा वो सेल्स आ जाएंगे जिनको आपने यूज़ किया था एज अ स्टार्टर कल्चर। वो सेल्स अब आपके किसी काम के नहीं है, उसको आपने एनिमल फीड के तौर पे यूज़ कर लेना है। ठीक है, डिस्कार्ड नहीं करना, लेकिन ये एनिमल फीड की जो कंपनीज होती हैं उनको सप्लाई कर दिया जाता है।
अब हमारे पास जो फिल्ट्रेट आया, इसमें से हमने क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, अपनी प्योर पेंसिलिन। ये हमारा सारे का सारा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो रहा है। फिल्ट्रेट को आपने ब्यूटाइल एसीटेट में डिसॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो बहुत अच्छी तरह इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करती है, ब्यूटाइल एसीटेट में। उसके बाद जब इसमें डिसॉल्व कर लेना है, तो अब आपने सॉलिड फॉर्म में, इस लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म में पेनिसिलिन को प्रेसिपिटेट करना है। उसके लिए आप लोग पोटेशियम आयंस को ऐड करेंगे, जो कि पेनिसिलिन के सॉल्ट्स बना लेगा। उसको आप, जो वो सॉल्ट्स होंगे, आपने उनको फर्दर वॉश, फिल्टर और ड्राई करना है, तो आपके पास 99.5% प्योर पेनिसिलिन आ जाएगी, ठीक है। और आपने फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है केमिकल और एंजाइमेटिक, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि कमर्शियल पर्पज सेव करने के लिए इसकी मॉडिफिकेशन होगी। आपने टेबलेट्स बनाने हैं पेनिसिलिन के, या कैप्सूल्स बनाने हैं, आपने ओरली देनी है, या आपने लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में देनी है। आपकी कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है, वो किस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा उसका है, वो कौन से प्रोडक्ट बना रही है, फिर उनको कमर्शियली लेवल पे कमर्शलाइज करना, उनकी मार्केटिंग करना, ये सारे का सारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ जाता है, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया। और यही सारे का सारा प्रोसीजर फॉलो होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्टली एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या है, एंटीबायोटिक्स आर प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज बाय इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है, वो है बीटा लैक्टम्स। क्योंकि हमने क्लासेस को इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं था, ठीक है। हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था, हमें एंटीबायोटिक्स और उनकी मेजर प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो बीटा लैक्टम्स में दो मेजर एंटीबायोटिक्स आती हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स के, जिसे कहते हैं ना, टॉप पे हैं, दैट इज पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन, जब से एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। पेनिसिलिन एक्सिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ टिपिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि पेनिसिलिन जो है वो क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, क्योंकि सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं। पेनिसिलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस यूजली अ फेड बैच प्रोसेस, या फेड बैच एक ही बात है। और आप लोगों को पता है कि एसेप्टिक कंडीशंस में इसकी प्रोडक्शन होती है। सारे प्रोडक्ट्स को हमारी कोशिश यही होती है कि एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करें। और स्टर टैंक फर्मेंटर्स, ये जहाँ पे स्टरिंग कंटिन्यूस दी जाए, वो डिज़ाइन इस तरह से होते हैं कि वहाँ स्टरिंग देना बहुत ईजी होता, ठीक है। आई गेस आप लोगों को यहाँ तक ये बात सब क्लियर हो गया होगा। ये जनरली आप थोड़ा सा सिर्फ ये देख लें कि सिंपल फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स किस किस स्टेप से होता हुआ जनरल जाता है। उसमें ये आ जाती है मीडिया प्रेपरेशन, हीट स्टरलाइजेशन, ये किसका पार्ट है, मीडिया प्रेपरेशन, हीट स्टरलाइजेशन, फर्मेंटेशन, कल्चरल को रिमूव करना, बायोमास रिमूव करना, सॉल्वेंट एडिशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप लोग इनसे एक दफ़ा गो थ्रू होंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जनरल फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स में क्या होता है। मीडिया में मोस्टली हम लोग कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, ये सब देते हैं। इसको स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ठीक है। इसके बाद फर्मेंटेशन आपको पता है, ये सेकेंडरी का ही बताया गया है कि टेम्परेचर और पीएच का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसके बाद बायोमास रिमूवल किस तरह से करना है, सॉल्वेंट एडिशन आप लोगों को पता है, आपने ब्यूटाइल एसीटेट को यूज़ किया। उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्शन, आपने एक्सट्रैक्शन के लिए जो जो भी टेक्निक्स यूज़ करनी है, सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है, उसको आगे फर्दर आपने ड्राइंग करनी है ताकि आपको पेनिसिलिन सॉल्ट की फॉर्म में मिले। ये जस्ट एक फ्लो डायग्राम आपको ये सब शो करने के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।